हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और एक बार फिर आपके लिए एक नया कंटेंट, एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का कंटेंट हमारा वंस अगेन एक मॉक टेस्ट है जो कि सीएचएसएल और आने वाले दूसरे एग्जाम्स को ध्यान में बनाया गया है। तो आइए आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन को समझें और प्रैक्टिस भी कर लें। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को पहले से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप पहले वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में फिर एक्सप्लेनेशन को आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। नाउ लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी, कॉमन एरर है, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। कह रहा है कोई इंसान सिर्फ ब्रेड यानी खाने पर जीवित नहीं रह सकता अकेले, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैन क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ में यूज हो रहा है या एक जनरल सेंस दे रहा है। तो जब मैन जनरल सेंस दे, नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, आपने रूल पढ़ा होगा आर्टिकल चैप्टर में, नेचर, आर्ट, अगर ये जनरल सेंस देते हैं तो इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो सिंपली होगा मैन कैन नॉट लिव विदाउट ओनली बाय ब्रेड अलोन, लाइक मैन कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ओके, नेक्स्ट है आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। यहाँ पे भी वही मसला है, बेड के पहले द नहीं होगा, क्योंकि बेड, चर्च, कोर्ट, प्रिजन और ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनके लिए रूल है कि अगर इनका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो जिनके लिए बने हैं तो इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो वो 8 बजे जो नाइट में जाता है वो क्या करने जाता है, बेड पे सोने जाता है, तो सोने के लिए बना है तो वहाँ पे भी दा नहीं लगेगा। तो दोनों में हमारा एरर पार्ट ए ही रहा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपका फिलर है। हिज प्रोफेशन इज टीचिंग। कह रहा है उसका जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, लेकिन उसका क्या फोटोग्राफी है। तो किसी का प्रोफेशन टीचिंग होता है लेकिन साथ ही साथ वो कुछ और भी काम करता है, वो चीज़ क्या होता है, क्या वो उसकी वेकेशन होती है या होता है या वोकेशन या वोकेटिव या एवोकेशन। देखिए वेकेशन तो हो गया आपकी छुट्टी, ठीक है, जो आप जानते हो। वोकेटिव केस या पढ़े होंगे केस चैप्टर में, संबोधन कारक जो होता है, हे मोहन इधर आओ, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। और वोकेशन ये होगी आपका ऑक्यूपेशन यानी के व्यवसाय, और एवोकेशन इज योर हॉबी। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा वोकेशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन इज टीचिंग बट हिज ऑक्यूपेशन इज फोटोग्राफी, लेकिन उसका ऑक्यूपेशन क्या है, फोटोग्राफी है। ठीक है, द डेमोस्ट्रेशन पास्ट ऑफ विदाउट, कह रहे जो डेमोस्ट्रेशन है वो पास हो गया किसके बिना, तो कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब इत्तेफाक कहते हैं, एक्सीडेंट तो दुर्घटना हो गया, और इंसिडेंस ये भी एक तरह की घटना ही होती है, इंसिडेंट भी घटना होता है। ठीक है, चलिए, तो डेमोस्ट्रेशन जब गुजरता है कोई जुलूस रैली वगैरह, तो वो बिना किस चीज़ के बिना गुजर जाता है, इत्तेफाक के बिना, ये तो कोई सेंस यहाँ पे दे ही नहीं रहा। ठीक है, एक्सीडेंट के बिना, एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होगा, एक्सीडेंट के बिना गुजर जाए मतलब दुर्घटना, ये भी कॉमन सेंस में नहीं आ रहा। तो आंसर इज इंसिडेंट, यानी कोई घटना नहीं हुई जो अप्रिय हो, प्रिय या अप्रिय कोई भी घटना उसके लिए यूज करते हैं इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट के बिना, कोई भी हैपनिंग नहीं हुआ या मिस हैपनिंग नहीं हुआ। इंसिडेंस होता है जैसे आजकल मलेरिया के इंसिडेंसेज मिल रहे हैं, या लोग बोलते हैं आई फ्लू वगैरह के इंसिडेंसेज मिल रहे हैं, तो इस तरह की घटनाओं को इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
इन केस नो इम्प्रूवमेंट. ओके चलो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है. द नीड ऑफ द आवर वाज सम फास्ट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द लीडर्स. ठीक है तो यहाँ पे एरर क्या होगा या फिर ये जो पार्ट है क्या इसमें कोई एरर है, अगर है तो कौन सा करेक्ट होगा. तो यहाँ पे कुछ करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये नो करेक्शन नो इम्प्रूवमेंट है. द नीड ऑफ द आवर ये एक फ्रेज भी है ना कि वक्त की क्या है डिमांड है मांग है, तो इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट वी हैव He does not hesitate to do whatever his brother does. कहते वो बिल्कुल नहीं इसके ज़्यादा जो भी वो भाई करता है. तो यहाँ पे है does not hesitate, simple present है ना, तो यहाँ भी simple present है तो बढ़िया है फिर, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आंसर इज अगेन नो करेक्शन रिक्वायर्ड. ओके फिर आपके सामने एंटोनिम दिया गया है. किंगली, किंगली मतलब बड़ा, राजा जैसा, जैसे किंग साइज बेड होता है तो किंग का उल्टा लो हो जाएगा. मैग्निफिशेंट मतलब भी बड़ा होता है तो ये तो होगा नहीं. स्ट्रेंज अजीब को कहते हैं. एंड एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, कोई चीज बेतुका है या फिर बकवास है. ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का भी हमको क्या बनाना है, एंटोनिम बनाना. तो ऑटोनॉमी क्या होता है, ऑटोनॉमी होता है जब आदमी, देखिए ऑटो मतलब सेल्फ और नॉमी मतलब नाम या किसी का अपने ऊपर अधिकार हो. ठीक है यानी हम कह सकते हैं एक मिनट, चलो तो ऑटोनॉमी हो गया जहां पे आपका किसी चीज पर अधिकार है या नाम है. ठीक है चलो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सब उल्टा लग रहा है मेरे को. सबमिसिवनेस का मतलब क्या होता है, सबमिसिव का मतलब हो जाता है सरेंडर करना. ठीक है सरेंडर मतलब दयालु आप कह सकते हो, दयालु या कृपालु कुछ भी. सबऑर्डिनेशन मतलब भी गुलामी, स्लेवरी मतलब भी गुलामी. तो ये सब क्या होता है, अपने मतलब किसी के अंडर रहता है, उसका अपने ऊपर अधिकार नहीं होता. तो इसका उल्टा क्या होगा, डिपेंडेंस. ठीक है निर्भरता. नेक्स्ट मोटिव, इसका सिनोनिम करेंगे. मोटिव मतलब क्या है, मोटिव मतलब मकसद होता है. ठीक है किसी चीज का मकसद, और ये हमारा कारण हो गया, ये हो गया लाभ, ये हो गया यूटिलिटी यानी उपयोगिता, और चांस तो हम जानते हैं मौका. तो मोटिव यानी उद्देश्य या मकसद, तो ये हमारा रीजन चला जाएगा कारण. टिल्ट, टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, तो टेढ़ा का क्या होगा, स्लेंट होगा. स्लैंड मतलब भी टेढ़ा या फिर तिरछा. क्रॉस भी होता है लेकिन टिल्ट के सिनोनिम में नहीं जाता. स्ट्रेंथ तो सीधा हो गया, सपोर्ट भी सहारा होता है. ठीक है चलो ये आपको पता है. तो मोटिव हो गया मकसद, रीजन, बाकी वर्ड अलग अलग सेंस में थे. लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, खुद से कोई लिखता है तो बायोग्राफी, अपने से कोई लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी. ठीक है तो यहां लिख रहा है कि बाय अनदर, सॉरी खुद से कोई लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी और दूसरा कोई लिखे तो बायोग्राफी, तो अनदर में बायोग्राफी. मेमोयर क्या होता है, एक तरह का रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग, वही चीज जो यादगार के तौर पे लिखा गया हो, दैट इज मेमोयर. बिब्लियोग्राफी होता है लिस्ट ऑफ बुक्स. ठीक है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स, तो ये होता है पॉलीगैमी. मोनोगैमी होता है सिंगल वाइफ, बाइगैमी टू वाइफ. मैट्रिमोनी इज रिलेटेड टू मैरिज. ठीक है रिलेटेड टू मैरिज, जो शादी से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू मैरिज या फिर स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड. नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेलिंग देखना इसमें आपको, तो यहाँ पे पैसेज में
ई मिसिंग है जी के बाद, बाकी सब ठीक है। और यहाँ एक जगह टेम्पेस्टुअस होगा, मतलब लुभाने वाली चीज, कोई चीज जो आपको लुभाती हो, ठीक है, लुभाव लुभावना, टेम्पटुअस इंटाइस करने वाली चीज। टेम्पटेशन क्या होता है, टेम्पटेशन मतलब भी लुभाना ही होता है, ठीक है, चलिए, या किसी को उकसाना। टू बी रोलिंग इन मनी, पैसों में लौटना, इसको कहते हैं वेरी रिच, यानी कि बहुत ही धनी, सिंपल। चलिए, आप पैसे में कब लौटते हैं, जब आपके पास बहुत सारे मतलब पैसे हो, आप क्या है, रोलिंग इन मनी है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, गर्म पानी में गिरना, मुसीबत में पड़ना, टू गेट इन टू ट्रबल, कोई आदमी अगर गर्म गर्म पानी में गिर जाए, मतलब वो एक तरह से मुसीबत में पड़ गया, है ना, ठीक है, सिंपल। ओके, वाइस, तो एक्टिव पैसिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि केप्ट मी अवेक, यानी कि आपका एक्टिव वॉइस है, तो इसको हमको पैसिव में करना है। तो केप्ट यानी कि वाचवर चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आई वॉज केप्ट अवेक, क्योंकि भी टू के लिए क्या लिखते हैं पैसिव फॉर्म में, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब, तो वाचवर जिसमें है वही आंसर होगा, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, सिंपल, वेरी सिंपल। 18, और ये लग रहा है फिर एक आपका क्वेश्चन है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू, टेकिंग, तो बिफोर में क्या लगता है, बीइंग लगता है, तो बीइंग वाला ऑप्शन कर लेंगे हम लोग, इधर बीइंग नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, चलो तो बीइंग जिधर है वो आंसर होगा डी। अगर कॉन्टिन्यूस में आपका एक्टिव वॉइस है तो उसमें बीइंग लगेगा और भीतरी लगेगा जो है डी में, तो डी इज द आंसर। चलिए, नरेशन आया है, मस्ट का यूज हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट वीक लगा हुआ, तो अगर मस्ट के साथ फ्यूचर एक्शन का बात होगा तो फिर वो मस्ट क्या हो जाएगा, वुड हैव टू में बदल जाएगा। ओके, तो वुड हैव टू इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्वेश्चन में मस्ट लगा हो और समय फ्यूचर का दिया हो तो वुड हैव टू, और समय पास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, हैड टू, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, डोंट रीड सो फास्ट, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में डोंट है तो डोंट का क्या हो जाता है, नॉट टू, इनडायरेक्ट में जिसमें नॉट टू है वही आंसर होगा, तो नॉट टू यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चलो कम से कम एक छट गया। अब एक ही सेट टू है, डोंट रीड सो फास्ट, तो रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा है क्या, हो सकता है, नॉट टू रीड सो फास्ट, एडवाइज हर नॉट, डोंट रीड सो फास्ट, तो डोंट इसमें तो हम छाट चुके थे, टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, तो ऑर्डर ही ले लेंगे, सेट टू है डोंट, चूंकि डोंट वगैरह से हम ऑर्डर ही मान के चलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसीलिए, तो पहला क्यों नहीं हुआ, टोल्ड की वजह से, ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, दूसरा में एडवाइस, एडवाइस तो नहीं लग रहा, ठीक है, और अगर है भी तो यहाँ डोंट का डोंट छोड़ दिया है, रिक्वेस्टेड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ प्लीज कहीं नहीं है, तो बचा फिर ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। अभी आपका पैराग्राफ है जो एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया, थोड़ा सा आगे वाला भी है, चलिए ओके, अब इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, द नैरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट, जो पैसेज का नैरेटर है वो किस चीज का पेशेंट था, पोलियो का पेशेंट था, ठीक है, आपने आंसर में देखा हो, वहां पैराग्राफ में देख लिया होगा, ही वॉज पोलियो पेशेंट। और टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, फ्यूचर के बारे में कुछ कहने को क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट बोलते हैं, है ना, एडिक्ट तो लत जिसको लगता है, वर्डिक्ट होता है कोई फैसला, जैसे कोर्ट में वर्डिक्ट दिया जाता है, प्रोटेक्ट आपको पता है। नेक्स्ट वी हैव, नैरेटर वाज द सेवेंथ चाइल्ड, नो ही वाज एट चाइल्ड, वो आठवां चिल्ड्रन था अपने माता पिता का, पोलियो द ट्रेडेड इज मेनली डिफेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये फैक्चुअल है, जो फैक्ट दिया हुआ है डायरेक्ट आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं कि जो पोलियो डिजीज है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, इस वजह से आदमी
अपंग हो जाता है, चल फिर नहीं सकता। एंड 25 नंबर में व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर, उसकी क्या थी, ब्राउन वाज हे फेयर एंड ब्राउन हेयर, ठीक है, ब्राउन हेयर की वजह से वो एक फॉरेनर की तरह दिखने लगा था। तो ये रहे 25 क्वेश्चंस जो एक तरह का आपके लिए मॉक टेस्ट था, इसे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं और ये आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।